हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरे टमाटर की सीडलिंग्स। टमाटर जो मैंने घर पे ही उगाए हैं, इसके लिए मैंने कोई सीड्स मैं बाहर से नहीं लाई हूँ। मैंने सिर्फ जो टमाटर हम सैलड में सब्जियों में डालते हैं उनके सीड्स मैंने डाले। ये देखिए, यहाँ पे इसके साथ सीड भी लगा हुआ है, तो इसमें मैंने डाल दिए। और उसके अलग करना क्या है आपको कि मिट्टी को आपको ज़्यादा गहरा नहीं दबाना है, जैसे कि आप सीड्स डालते हैं तो बस आप इस तरीके से उनको कवर कर दीजिए हल्की मिट्टी से, भुरभुरी मिट्टी से। और मिट्टी उसको आप इस तरीके से ना दें कि बिल्कुल गहरा दबाएं, जैसे ऐसे करके जस्ट स्प्रिंकल कर दें। और उसके ऊपर आप कोकोपीट या रेत या गोबर खाद आप हल्की सी जस्ट स्प्रिंकल कर दें। और देखिए, 10-12 दिन में आपको ये काफ़ी अच्छे से, देखिए इनके बीच वाली इनकी ओरिजिनल लीव्स भी ग्रो कर रही हैं। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इनको शेड में रखना है, और वाटरिंग भी इसमें प्रॉपर करनी है। ये नहीं कि ड्राई होने दें आप इसे। और जब ये बड़े हो जाएं, जैसे कि ये वाला प्लांट मेरा अभी जो है बड़ा हो गया है, इसमें अभी ये दो लीव्स एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो अभी जब और 2-4 आ जाएंगी तो इसके बाद आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पिछले साल भी मैंने लगाए थे तो काफ़ी सारे टमाटोज आए थे, हालांकि ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते क्योंकि हमारे यहाँ मंकीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो आके टमाटर तोड़ लेते हैं। पर फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक टमाटर लगा सकते हैं आप, और कोई कॉस्ट नहीं है आपको इसके लिए, सिर्फ सीड आपको लेने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लगाइए टमाटर अपने घर में आप भी। हैप्पी गार्डनिंग।